ਵਿਆਹ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਬਰਾਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਜਿੱਥੇ ਬਰਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਕਾਰ ਹੀ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਡਿੱਗੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਸਮੇਤ 3 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਜਦਕਿ 3 ਲੋਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਪਤਾ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਗੋਤਾਖੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ 5 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕੱਢ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਨਪਦ ਬੁਲੰਦ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਜਿੱਥੇ ਜਹਾਂਗੀਰਪੁਰ ਦੇ ਕਪਨਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਰਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਕਾਰ ਪਲਟ ਗਈ ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ ਸਮੇਤ 3 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ 3 ਲੋਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਪਤਾ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਉਧਰ ਹੀ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ 4-4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਰਾਤੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਬੁਲੰਦ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰ ਹੀ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਵਾਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ 3 ਲਾਪਤਾ ਨੇ ਤੇ 5 ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਲਾਪਤਾ ਹੋਈ ਬਰਾਤੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਥੇ ਔਰ ਇੱਕ ਚਾਚਾ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਮੇਂ ਥੇ ਉਹ ਸ਼ਾਦੀ ਮੇਂ ਜਾ ਰਹੇ ਥੇ ਗਾੜੀ ਡਰਾਈਵਰ ਚਲਾ ਰਹਾ ਥਾ वो गाड़ी ड्राइवर ने नहर में वो कर दी उस पर वो नहीं हो पाई कवर दो सिस्टर की मौत हो गई एक भाई की मौत हो गई छोटी की एक भाई मिला नहीं है अभी तक कितने लोग लापता हैं 3 लोग लापता हैं एक छोटा भाई लापता है एक चाचा लापता है एक भांजी लापता है छोटी 5 साल की गाड़ी में कितने लोग सवार थे 8 लोग थे 3 की मौत हो गई 3 की मौत हो गई और 3 मिले नहीं है 2 अभी हैं किन की शादी थी आपके घर में मेरे पापा के मामा के लड़के की शादी थी कहाँ से कहाँ जा रहे थे शेरपुर से वहाँ जा रहे थे पेशावर ये थाना जहांगीरपुर क्षेत्र में कपना नहर है आज देर रात्रि बरसात भी काफ़ी तेज़ हो रही थी और तब ये सूचना प्राप्त हुई कि जो इको गाड़ी है वो नहर में गिर गई है यहाँ नहर के ठीक बगल में एक प्रांगण बना हुआ है मंदिर का जिसमें कि फ्लड PHC हमारी रुकी हुई थी उन्होंने आवाज़ सुनते ही तत्काल रिएक्ट किया और उस समय 5 लोगों को उनके द्वारा वहां से निकाला गया वाहन में कुल 8 लोग होना बताया जा रहा है 5 लोगों को इनके द्वारा निकाला गया जिसमें से 2 पूरी तरह से सुरक्षित हैं और 3 लोगों को अस्पताल भेजा गया था जिनमें से 1 की मृत्यु होने की पुष्टि हुई है 2 को सीरियस बताया गया है और शेष 3 लोग अभी नहीं मिले हैं उनके रेस्क्यू के लिए यहाँ ऑपरेशन चल रहा है SDRF और NDRF दोनों को रिक्विजिशन कर लिया गया है और जो हमारे स्थानीय गोताखोर हैं उनको भी बुलाया गया और यहाँ के स्थानीय जनता के भी सहयोग लेकर के खोज कराई जा रही है इसके साथ ही साथ जो मृतक हैं उनके बॉडी को पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया गया है और अग्रिम में देख कार्रवाई इसमें कर रही है। सर ये लोग कहाँ से आ रहे थे और कहाँ जा रहे थे ऐसा कुछ पता ये थाना ककोड़ क्षेत्र के रहने वाले हैं ये सभी और ये लोग यहाँ से अलीगढ़ जा रहे थे एक कार्यक्रम देखिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है एक ये इको गाड़ी जो है नहर में गिरी है जिसमें 8 लोग सवार होना बताए गए हैं 5 लोगों को निकाला गया जिसमें एक बच्ची की मृत्यु हुई है 2 गंभीर रूप से घायल हैं 2 लोग ठीक हैं अभी 3 लोग लापता बताए जा रहे हैं जिनकी खोजबीन की जा रही है NDRF भी आ रही है SDRF भी आ रही है लोकल गोताखोर भी लगाए गए हैं यहाँ हम लोगों का सौभाग्य था कि यहीं एकदम बगल में ही नहर के बगल में PSC फ्लड की यूनिट रुकी हुई थी उनको तत्काल उन्होंने रेस्क्यू किया तो 5 लोग निकाले गए माननीय मुख्यमंत्री जी ने तत्काल इस घटना का संज्ञान लिया है और सभी जो भी घायल हैं उनका पूरा समुचित इलाज कराया जा रहा है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी जो भी मृतक हैं उनको 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा भी की है और पूरा प्रशासन और हम लोग पूरे पीड़ित परिवार के साथ हैं और उनका जो बेहतर से बेहतर इलाज है वो हम लोग कराएंगे कहाँ से सर ये लोग आ रहे थे कहाँ जा रहे थे एक शेरपुर गांव है ककोड़ थाने में वहाँ से एक शादी में जा रहे थे और पिसावा अलीगढ़ वहाँ जा रहे थे लोग तो।